आज हम आपको लेके चलते हैं ग्रिप इन्वेस्ट की दुनिया में। ये जो दुनिया है ये कैसी दुनिया है जहाँ पर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स प्रोडक्ट हैं। आपका यूजुअली ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके स्टॉक्स या फिर आपका डेट जैसे FD वगैरह, वो यूजुअली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, या फिर प्रॉपर्टी जो है वो काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट होता है। मगर अगर आपके पास थोड़ा कैपिटल है और आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ज़्यादा इंटरेस्ट वाला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का जो स्पेस है उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि कैसे जो है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स का जो स्पेस है वो, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, कितना मेरे को रिटर्न्स उसके अंदर मिलते हैं और कितने टाइम में मिलते हैं मेरे को, और क्या उसके अंदर रिस्क वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं आज की तारीख में, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आज की तारीख में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ग्रिप इन्वेस्ट को। ग्रिप इन्वेस्ट जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपके ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करता है। तो आइए इसके अंदर लॉगिन करते हैं। मैंने गूगल से अपना अकाउंट बना रखा है इसके अंदर, और जैसे मैंने अपना ऑलरेडी इस पर KYC कर रखा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपना सब बना रखा है इसके ऊपर। KYC में जो है ये लोग बेसिक डिटेल्स आपसे लेते हैं, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड एक्सेट्रा, या कोई बिजनेस है तो एम्प्लॉई आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो सब KYC हो गया, बैंक डिटेल्स हो गया, ये सब चीज़ें जो है, पैन कार्ड हो गया, ये बेसिक कोई भी आपके इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म के अंदर बेसिक आपकी डिटेल्स होंगी, वो ये लोग लेते हैं। अब चेक करते हैं कि इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या अवेलेबल रहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो प्रोडक्ट यूजुअली अवेलेबल रहता है, प्रोडक्ट रहता है लीजेक्स का। लीजेक्स जो है वो आपका एसेट लीजिंग का आपका प्रोडक्ट है। एसेट लीजिंग जो होता है, कोई भी कंपनी जो है जो कि एसेट्स को, फिजिकल एसेट्स को आपको लीज कर रही है, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक बाइक्स की लीजिंग हो रही है यहाँ पर, कि इलेक्ट्रिक बाइक्स की लीज अगर आप, मतलब कोई एक कंपनी बाइक्स खरीद रही है और दूसरी कंपनी उस व्हीकल्स जो है वो लीज कर रही है, वो व्हीकल्स उस कंपनी से खरीद रही है, उस कंपनी से लीज ले रही है, वहां पर जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फंड्स के रिक्वायरमेंट में आप जैसे इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहां से रिटर्न्स आप ले सकते हैं। यूजुअली अब इसमें कोलेटरल जो हो गया, वो जो भी एसेट है जिसके बेसिस पे फंडिंग हो रही है, जिस चीज के लिए फंडिंग हो रही है, वो आपका एसेट कोलेटरल बन जाता है और उसी के बेसिस पे आप जो है आगे फाइनेंसिंग कर देते हैं। तो अगर कभी भी कोई भी आपका कोई इशू आता है, कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट में इशू आता है, तो या रिटर्न्स आने में इशू आता है, वो जो एसेट्स हैं वो एसेट्स को सेल करके और वहाँ से आपका रिटर्न जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है और जो भी आपका अमाउंट्स है वो रिटर्न वहाँ से आ जाएंगे। अब देखिए, जैसे अल्फा इलेक्ट्रिक नाम से एक कंपनी है, इसका प्रोडक्ट है, टोटल इसने लीज किया है, टोटल 12 लीजी इसको लीज किया है और इसकी रेटिंग जो है BB है, क्रिसल रेटिंग है ये, जैसे सिविल होता है इसी तरह से कंपनीज के लिए क्रिसल होता है, और ये एक इंडियन क्रेडिट ब्यूरो है, और इसमें रिटर्न जो आपको मिल रहा है 15.8% प्री टैक्स IRR है। यूजुअली FD में आपको जो फिलहाल इंडिया में मिल रहा है वो 6%, 6.5%, 5.5%, डिपेंडिंग ऑन योर पीरियड, उस तरह से मिल रहा है, और यहाँ पर आपको जो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो 15.8% का रिटर्न है। अब इतना रिटर्न जो है वो आपको यूजुअली और कोई प्रोडक्ट्स इस तरह के नहीं देते। इसमें अमाउंट जो है वो 30 मंथ्स का अमाउंट है कि जिसमें आपका मैच्योरिटी होगी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की, और टोटल अमाउंट जो ये लोग रेज कर रहे हैं 1.4 CR रेज कर चुके हैं, 1.5 CR टोटल रेज कर रहे हैं। ये ग्रिप के बारे में है। ये कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर आप सिमिलर लेते तो आपको 13% का रिटर्न आता, FD अगर आप लेते तो 7% का रिटर्न आता, तो अपॉर्चुनिटी वाइज जो है ऑलमोस्ट डबल का आपको रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर, तो आपका पैसा काफ़ी फास्ट ग्रो होगा इसके अंदर। ये जो कंपनी है, इसकी कंपनी के बारे में डिटेल्स हैं यहाँ पर, कि जैसे जो है कंपनी मंथली रेंटल प्रोवाइड करती है 12 कंपनीज को अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, मोबिलिटी, होटल, रेस्टोरेंट, फूड टेक, रिटेल वेंडिंग, कस्टमर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये लीज रेंटल जो है एक तरह से फिक्स इनकम प्रोडक्ट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, कि इन्वेस्टर्स को हर महीने इसका रिटर्न मिलेगा। जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट, ये मतलब लिस्टेड होता है आपका NSE पे, BSE पे, पूरा इसका आपके डीमैट अकाउंट में भी ये चीज़ एज अ प्रोडक्ट शो होगी। तो ये क्रिसिल की रेटिंग इसकी BB है, और सिक्योरिटी पैकेज जो है इसका, जो कोलेटरल है पीछे, वो 12% सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 12% एग्रीगेटिंग 3 months ऑफ रेंटल, एंड द इन्वेस्टमेंट विल बी फुली सिक्योर्ड इन 26 months, and the leased assets are mission critical to the company flow of investment proceeds and lease payments via a special purpose trust which is monitored by the SEBI registered trustee. इन्होंने एक स्पेशल पर्पज ट्रस्ट बना रखी है, जो assets होंगे वो, या जो lease payments है उसके through flow होंगे। पे आउट जो है मेरे को हर मंथ होगा इसके अंदर, जो टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 3 months का रेंटल है इसके अंदर, और ये ओवरऑल कंपनी का डिपॉजिट हो गया, कंपनी का प्रोफाइल हो गया, जो एक्सपोजर है एक एक चीज़ों का पूरा, कस्टमर्स का भी ब्रेकडाउन उन्होंने दे रखा है कि किस किस कंपनी को कितना कितना इन्होंने लीज कर रखा है व्हीकल्स। ज़्यादातर कंपनी जो है ये सारी ऐसी हैं कि जो वेंचर फंडेड कंपनीज हैं, हैवीली कैपिटलाइज कंपनीज हैं। अब इसके अंदर लीजी का जो है आपका ओवरव्यू है, किस किस को लीज कर रहे हैं और किस किस का जो है ओवरऑल क्या क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। जैसे ये 11% इनका जो लीजिंग है, मतलब इतना ये जो प्लेटफॉर्म है ग्रिप इन्वेस्ट, इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें रहती है,
आपको देखिए कस्टमर्स का डिटेल मिल रहा है, कस्टमर्स में कितना परसेंटेज कौन से कस्टमर से रेवेन्यू आता है उसका मिल रहा है। तो जैसे 11.3% ऑफ द पूल है वो ओमेगा सेकी नाम से कंपनी है, उसको दे रखा है इन्होंने, उसको लीज कर रखे हैं व्हीकल्स। ये जो प्लेयर है इसका डिटेल्स है, ईवी प्लेयर है, सप्लाई चेन इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सेटअप कर रहा है ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और इसको जो व्हीकल्स फाइनेंस कर रखे हैं वो थ्री व्हीलर्स फाइनेंस कर रखे हैं लोगों ने। उसका बिजनेस क्या है ओवरऑल, फिर फाउंडर्स का बैकग्राउंड क्या है और क्या उसका फाइनेंशियल्स हैं, जैसे उसका कंपनी का रेवेन्यू जो रहा है 36.2 crore का रेवेन्यू रहा है लास्ट ईयर, और एबिटा लॉस है उसका 4.2 crore का, और 23 में आपका जो रेवेन्यू प्रोजेक्टेड है वो 171 crore का प्रोजेक्टेड है। और ये बूटस्ट्रैप कंपनी है ये, बट ये नारंग फैमिली की तरफ से है कंपनी। इसी तरह से स्टैटिक आपका एक इनका क्लाइंट है, स्टैटिक को भी इन्होंने 11.1% ऑफ द पूल दे रखा है, और इनको जो एसेट फाइनेंस का रखा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने। इसका जो कंपनी का जो फंडिंग है वो 200 crore की फंडिंग है, सीरीज ए रेज की थी इन लोगों ने। इसका रेवेन्यू जो है 6 crore का है, 22 के फाइनेंशियल्स जो है वो 9.6 crore के, लॉस जो है 1.67 crore का। तो इस तरह से ओवरऑल सारे जितने भी कंपनीज हैं सभी का इन्होंने डिटेल दे रखी, कौन कौन सी कंपनी को कितना कितना फाइनेंस कर रखा है। जैसे रेंटोमो जो है उसको 6.2% ऑफ द पूल है, बिग स्पून है, दालचीनी है। जो रेवेन्यू आता है इस कंपनी का लीजिस से वो 254 crore आता है, फाइनेंशियल ईयर 21 में आया था, और 22 में आपका जो रेवेन्यू आया था 521 crore आया था। 92% ऑफ द लीजिस है, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। कुछ वेंचर फंडेड कंपनीज हैं तो वेंचर फंडेड कंपनीज का थोड़ा सा एबिटा लॉस भी है। तो इसमें जो आपका रिस्क के डिस्क्लोजर्स है वो इन्होंने डिस्क्लोज कर रखा है कि हाँ मतलब इसमें रिस्क क्या क्या है। डिफॉल्ट का रिस्क हो सकता है कि आपका जो टेनेंट्स हैं जो कि आपका रेंटल अग्रीमेंट में आपसे व्हीकल्स ले रखे हैं या जो एसेट्स ले रखे हैं वो आपका डिफॉल्ट मार जाए, और हाइपोकेशन नहीं हुआ हुआ है व्हीकल्स का, तो व्हीकल्स जो है या जो एसेट्स हैं वो एसेट्स को मैं रीसेल करके यूज़ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हाइपोथिकेशन नहीं हुआ हुआ है। इन्होंने इंस्टेंट जो कर रखा है वो सिक्योरिटी अमाउंट रख रखा है, सिक्योरिटी अमाउंट मतलब 3 महीने का सिक्योरिटी अमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये मेरा बैकअप है कि अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट तो ये लोग रिकवरी करने की कोशिश करेंगे, और 3 महीने तक एटलीस्ट आपका जो अमाउंट है वो रिकवर मिल जाएगा। तो 26 मंथ्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट है टोटली सिक्योर हो जाएगा, 30 महीने का ओवरऑल डील है ये। इस पे क्या मेरा टैक्स एप्लीकेशंस होंगे और क्या IRR क्या मेरा अलग होता है, ये सब चीज़ों डिटेल दे रखी है। और प्लस इन लोगों ने एक ये भी बता रखा है कि आपका अगर आपका सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह अगर आप कर रहे हो तो फिर इसके अंदर क्या आपके रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं, और अगर आप LLP स्ट्रक्चर के थ्रू कर रहे हो तो क्या इश्यूज होते हैं। अगर आप सिक्योरिटाइज्ड प्रोडक्ट की तरह कर रहे हो तो फिर ये आपका लिस्टेड होता है NSE BSE पे, और अगर आप LLP की तरह कर रहे हो, सेम काम को आप LLP की तरह भी कर सकते थे, बट वहाँ लिस्टिंग नहीं होता आपका और कोई रेटिंग नहीं होती इस प्रोडक्ट की जो है। जैसे बॉन्ड्स होते हैं इसी तरह से आपका जो है लिस्टिंग आपको उसमें मिल जाएगी आपके डीमैट अकाउंट में। आप यहाँ पर जो लॉट खरीद सकते हो, इसमें आप इन्वेस्टमेंट का तरीका देखते हैं अपन कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। इसके अंदर आप लॉट्स खरीद सकते हो, और हर लॉट की कीमत जो है वो 8,62,000 रुपीज़ है। तो मैं मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर कर सकता हूँ वो जहाँ से शुरू कर सकता हूँ उसको वो 8.5 लाख रुपये से इन्वेस्ट शुरू कर सकता हूँ उसके अंदर। तो टोटल अगर अमाउंट मैं 8,68,000 इनको दूंगा तो 62,000 दूंगा, और प्रीमियम कुछ दूंगा, और प्लस आपका एक्रूड इंटरेस्ट आएगा, स्टैम्प ड्यूटी आएगी मेरी। तो प्रीमियम जो होता है इसमें मार्केट के हिसाब से कितनी डिमांड है इस प्रोडक्ट की उसके हिसाब से थोड़ा सा प्रीमियम ये लोग चार्ज करते हैं। अगर आप शुरुआत में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, अगर आप बाद में इन्वेस्ट कर रहे होंगे जब बहुत लोग और भी कर चुके हैं और इन्वेस्ट या काफ़ी डिमांड में है तो फिर आपको जो है थोड़ा सा प्रीमियम इसमें पे करना पड़ेगा। तो टोटल आप जो अमाउंट आप पे करोगे वो 8,68,000 आप पे करोगे, और उसके बदले में आपको जो रिटर्न मिलेगा 30 महीने में वो रिटर्न मिलेगा 10,45,000। इसमें टोटल इंटरेस्ट आपका बना 1,83,000, और प्रिंसिपल आपका जो अमाउंट हुआ वो 8,62,000। उसको विजुलाइज कर लेते हैं रिटर्न्स को। तो जैसे मेरा जो रिटर्न आएगा वो इस तरह से आएगा कि जैसे मेरा सबसे पहले अगर मैंने आज अगर इन्वेस्ट किया 19 जून को, तो सबसे पहला रिटर्न मेरा आएगा 28 जुलाई को प्रिंसिपल मेरा होगा 24,000 का, और इंटरेस्ट जो आएगा वो 11,000 का। टोटल कंबाइंड मेरे पास जो रिटर्न आएगा वो 35,255 अमाउंट आएगा। इसमें TDS भी कटेगा मेरा, TDS के साथ में ओवरऑल जो अमाउंट है वो 32,433 का है, और TDS कटने के बाद जो मेरे को पेबल होगा वो अमाउंट पेबल होगा 35,000। तो इसी तरह से हर महीने मेरे को ये रिटर्न आता रहेगा, टोटल 30 महीने मेरे को जो अमाउंट आएगा वो ये अमाउंट आएगा। टोटल प्री टैक्स रिटर्न्स मेरे जो होंगे वो 1,000,000, वही अपन देख चुके हैं इस चीज़ को ओवरऑल कितना लॉट है। अगर लॉट अपन बढ़ा देते हैं तो ऑब्वियसली रिटर्न्स जो उसी हिसाब से बढ़ जाएंगे मेरे। तो इसके लिए दोस्तों डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है, चाहे NSDL के साथ में हो या CDCL के साथ में हो, और NRIs इसमें परमिटेड नहीं है, और मंथली पेमेंट्स जो आपको होंगे वो TDS कट करने के बाद आपको पेमेंट्स आएंगे। तो दोस्तों ये एक अच्छा प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करके आप 15-16% का रिटर्न आप इसमें कमा सकते हो, और ऑब्वियसली टैक्स इसमें कटेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, और जो भी आप टैक्स स्लैब के अंदर आएंगे उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये हमने बात करी आज,
एसेट लीजिंग प्रोडक्ट की। एसेट लीजिंग प्रोडक्ट जो है ग्रिप प्लेटफॉर्म पे वो किस तरह से काम करता है।